झारखंड में मैं इंदु कुमारी ले चलती हूं आपको खबरों की दुनिया में। पोटका के हाथा चौक से हल्दी पोकर तक रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पोटका विधायक मेनका सरदार, सभी विभागों के पदाधिकारी तथा सभी स्कूली बच्चे उपस्थित थे। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी है। लोगों को भी जागरूकता फैलाने के लिए आज रन फॉर योगा रखा गया है। फिर कल से लगातार चलेगी पूर्वाभ्यास। बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, इस तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं जो 16, 17, 18 तक होंगी। उन लोगों को जो बेस्ट करेगा उन लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे। प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं और हर पंचायत में आज रन फॉर योगा रखा गया है। और जो प्रक्रिया हम लोग प्रखंड में, जिला में अपना रहे हैं वो पंचायतों में भी होगा। कहाँ तक जाएगी सर ये रन फॉर योगा? लेकर हल्दी पोखर तक रन फॉर योगा, जिसमें सारे लोग देखते हैं, बच्चे हैं, सारे विभाग के पदाधिकारी या कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित हैं, ये सारे लोग शामिल होंगे। सरायकेला के कुकरू हाट में बीते कल शाम पुलिस के जवानों पर नक्सलियों द्वारा किए गए हमले के बाद आज झारखंड के डीजीपी कमल नयन चौबे सरायकेला पहुंचे और जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सरायकेला पुलिस एसोसिएशन ने जिले में लगातार हो रही नक्सली वारदात के बाद एसपी को हटाने की मांग की। घटना के बाद कुकरू प्रखंड क्षेत्र में सन्नाटा छाया रहा। क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हमारे साथ सीआरपी के आईजी साहब यहां पर हैं, उनकी पूरी टीम है। इस क्षेत्र में जो नक्सली गतिविधि है उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी और जो सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हर हालत में संविधान विरोधी चरमपंथी गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी, रोक लगानी चाहिए, वो रोक लगाई जाएगी। इसके लिए चाहे जितने अतिरिक्त बल की आवश्यकता हो, जिस तरह के ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति की जरूरत हो, सरकार के दृढ़ संकल्प के अनुसार कार्रवाई पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाए। ये हम लोग के लिए एक दुखद दिन है, लेकिन हम लोग कभी भी शहादत को भूलते नहीं। शहादत इस हमारे पुलिसकर्मियों की बहादुरी का एक प्रतीक है
लेकिन उनकी शहादत हम जाया नहीं जाने देंगे। इसका मजबूत, इफेक्टिव और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका जवाब। नक्सली जिस सिद्धांत की बात करते हैं, जिस विचारधारा की बात करते हैं, वो पीठ पीछे वार करते हैं, चाकू से वार करते हैं, क्या कहेंगे? ये उनकी विचारधारा है, मुझे वो किस तरह से वार करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। मुझे इस बात से मतलब है कि जो भी व्यक्ति जिस सिद्धांत के तहत देश के संविधान के खिलाफ जाएगा, इस जमीन के कानून के खिलाफ जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो क्या तरीका अपनाते हैं वो उनका अपना नजरिया है, मैं सैद्धांतिक बातों की बात कर रहा हूं। सरायकेला में ही लगातार ऐसी घटना घट, मैंने वही कहा कि इस क्षेत्र में ये घटना बढ़ी हुई है। हम लोग समय समय पर सिक्योरिटी ऑडिट इलाकों के करते हैं। जो नक्सल गतिविधि के खिलाफ सफल अभियान जिन राज्यों में चलाए जा रहे हैं, देश में कई राज्यों में ये परेशानी है, वहां अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें विगत वर्षों में झारखंड ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए झारखंड पुलिस तो प्रशंसा के पात्र है, झारखंड प्रशासन जो है शासकीय प्रशासन, जिन्होंने विकास के उन रास्तों को खोला जिसको जिस पर वो गलत तरीके से मासूम इनायों को गुमराह करते थे, वो भी उनका धंधा बंद हो गया है। तो ये है, अंतिम लड़ाई अंतिम चरण में है, तो कुछ न कुछ अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए कुछ न कुछ उनको करना चाहिए, करना पड़ेगा, उन्होंने किया है, फिर उसका जवाब हम देंगे। सर इंटेलिजेंस कितना काम कर रहा है? सर इंटेलिजेंस छत्तीसगढ़ में दो नक्सली कलमाने के, उनके पास से जो आर्म्स मिला है वो पाकिस्तान का है, लगता नहीं कि आप पाकिस्तान कहीं ना कहीं दूसरा रूप से, तो छत्तीसगढ़ के डीजीपी बता पाएंगे। सर जो घटना, ये क्या मानेंगे कि सूचना जो कमजोर थी, कहीं सूचना तंत्र कमजोर नहीं? कोई सूचना कमजोर नहीं होती, सूचनाएं मिलती हैं, कई बार सूचनाएं उतनी एक्यूरेट नहीं होती हैं। हमारे यहाँ जो विषय जो सूचना देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अच्छा काम कर रही है। देखिए एक लंबी लड़ाई है, नक्सलवाद जहाँ पर भी है वहाँ नक्सलवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है। उस लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ने के लिए क्षमता भी होनी चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए, स्टेमिना भी होना चाहिए। सर जो कल जो घटना हुई है, घटना के बारे में क्या कहेंगे कि नक्सली किसी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो पुलिस की अब रणनीति क्या होगी? इस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में ये तीसरी बड़ी घटना है। जब ये घटना हुई है उसके बाद से इस घटना की विवेचना की गई है पुलिस मुख्यालय में। आज मैं मुख्यालय के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ यहाँ आया हूँ, क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक, हमारे साथ आई जी साहब यहाँ पर हैं, उनकी पूरी टीम इस क्षेत्र में जो नक्सली गतिविधि है उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। और जो सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हर हालत में संविधान विरोधी चरमपंथी गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी, अगर रोक लगानी चाहिए वो रोक लगाई जाएगी। इसके लिए चाहे जितने अतिरिक्त बल की आवश्यकता हो, जिस तरह के ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति की जरूरत हो, सरकार के दृढ़ संकल्प के अनुसार कार्रवाई पुलिस मुख्यालय द्वारा की। ये हम लोग के लिए एक दुखद दिन है, लेकिन हम लोग कभी भी शहादत को भूलते नहीं। शहादत इस हमारे पुलिसकर्मियों की बहादुरी का परिचय का एक प्रतीक है, लेकिन उनकी शहादत कार्यालय के धर्मबहाल पंचायत मंडप में आज 20 सूत्री की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी 20 सूत्री सदस्यों द्वारा लंबित योजनाओं एवं कई बिंदुओं पर शिकायतें सुनी एवं मामले के निपटारा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से धारशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार दास उपस्थित थे। बैठक में पावड़ा पंचायत के एक लाइसेंस धारी द्वारा हाईवे के किनारे खोली गई विदेशी शराब दुकान का मुद्दा छाया रहा। कार्यालय में बीस सूत्री की बैठक थी, इसमें कुछ आप लोगों ने मांगों को लेकर आप लोगों को क्या मांग था इसके बारे में? मांग यही है रेलवे पटरी समय तालाब है, घाटना की लाइफ लाइन, ये अगर सूख जाएगा तो पूरा घाटना ही सूख जाएगा। इसको हम इसमें अवैध निर्माण हो रही है और आस्ते आस्ते तालाब के अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, इसको बचाने के हम लोग प्रयास में है। इसी का ज्ञापन आज हम लोग वीडियो साहब को दिए। जी क्या कहा वीडियो साहब ने? वीडियो साहब तो बोला कि हम इसको आगे सीओ साहब को बढ़ाएंगे, डीसी साहब को बढ़ाएंगे और यही आश्वासन दिया कि हम लोग आपको जाएंगे। मोहभंडार स्पोर्ट्स मैदान में आयोजित जीएसए फुटबॉल चैंपियन लीग के आज दूसरे दिन
AWC हॉस्टल घाटशिला एवं चेन्नई FC दामपाड़ा बॉयज के बीच खेली गई। चेन्नई की टीम घाटशिला की टीम को 4-0 से पराजित कर दिया। कल के मैच राइजिंग सन क्लब जयराम डी एवं YBC पुराना बनकाटी के बीच खेली जाएगी। अमित दर पे खेल लेते हैं।